अस्सलामुअलैकुम भाइयों बहनों देवियो सज्जनों, कैसे हो आप सब? फिट फाट हो, मज़े में हो? चाचा जी एक और अमेजिंग सी वीडियो लगे आप सबके खिदमत में हाजिर हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स हैं क्रिप्टो में, जिनमें कॉन्फ्लेक्स नेटवर्क है। इसके बाद मैं एक और एनालिसिस शेयर करूँगा जिसमें मैं नियो जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी बात करूँगा। इसके पीछे एक फंडामेंटल रीज़न है जो कि मैंने अपनी कम्यूनिटी पोस्ट में शायद शेयर की हो, मैंने बाइनेंस फीड में शेयर की थी और वो ऑयल से रिलेटेड थी। ठीक है, क्रूड ऑयल और जो WTI ऑयल हमारे पास जो है, जो कि फ्यूल वगैरह हम यूज़ करते हैं, चाइनीज़ यौन में उसकी डील हुई है। ठीक है, सऊदी अरब और चाइना के बीच में। तो मुझे लग रहा है कि अगर उस न्यूज़ का इम्पेक्ट होगा, एक हाई इम्पेक्ट न्यूज़ है, तो डॉलर का जो इंडेक्स है वो डाउन जा सकते हो और जो चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास वो एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो चल रहा है ये कॉन्फ्लेक्स नेटवर्क में। इसके फंडामेंटल्स आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, प्रीवियसली मैंने आप लोगों को वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने कहा था कि प्राइस जब भी डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है, डाउन ट्रेंड में हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, करेक्शंस को अपनी एनालिसिस का हिस्सा बनाना है। ठीक है, जैसे कि ये करेक्शन थी, उसके बाद हमारे पास ये, मैं पूरा एक टॉप टू बॉटम एनालिसिस करता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, अब जब इस तरह का सिनेरियो आता है ना, ये डीपर पुल बैक, ठीक है, अब ये भी पुल बैक है, ये भी पुल बैक है, ये भी पुल बैक है, इसी तरह अगर इस डाउन ट्रेंड में हम देखें तो एक ये भी डीपर पुल बैक है। ठीक है, अब मेजर ट्रेंड डाउन था जब प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, तो हमने यहाँ से शॉर्ट करना था। ठीक है, बेशक आप लोग स्पॉट एंड रेजिस्टेंस यूज़ करते हो, रिटेलर कॉन्सेप्ट हार्मोनिक पैटर्न्स यूज़ करते हो, या फिर आप लोग SMC एनालिसिस करते हो, तो आप लोगों ने इन पुल बैक्स पे फोकस करना है। ठीक है, यानी कि प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, चौक दे दिया। ठीक है, ये एक बुलिश मार्केट थी, इस मार्केट में यहाँ पे प्राइस ने चौक दे दिया, हमने शॉर्ट किया, फिर प्राइस ने ये चौक के बाद कंटिन्यूएशन का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक है, तो हमने फिर यहाँ से इसको शॉर्ट किया। ठीक है, इसी तरह ये पुल बैक, डीपर पुल बैक, ये पुल बैक और ये पुल बैक। ठीक है, यानी कि ये इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन। ठीक है, तो अब जब प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है, ये अब अगर इस डेट को मेंशन करूँ तो ये मार्च 23 से है। ठीक है, मार्च 23 से हम ये एनालिसिस कर रहे हैं, तो इतना डेटा काफ़ी है। 15 मिनट की 250 से 300 बार स्कैंडल्स अपने एनालिसिस की कंसीडरेशन में लाओ, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब प्राइस ने इस के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये कंसीडर कर लो एक हमारा चौक हुआ था। ठीक है, यानी कि जो बेरिश ट्रेंड था वो ये कि रिवर्सल पॉइंट कौन सा था, वो यहीं वाला था जहाँ से प्राइस ने अपना ट्रेंड जो है वो चेंज किया है। तो अब यहाँ से अगर सिंपली मुझसे पूछो तो मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, मैं इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट या इस पॉइंट को या इस पॉइंट को, ये अपना लोअर हाई कंसीडर कर रहा हूँ, इस पॉइंट को जिसने सारी लिक्विडिटी कलेक्ट कर ली है, इवन के इस इक्वल लो के भी, वो हमारा हो गया। ठीक है, प्राइस कैसे मूव कर रही है, प्राइस बना रही है लोअर हाई, लोअर लो, लो फिर ये लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, तो कुछ बिहेवियर की बात की जाए प्राइस की, तो प्राइस क्या कर रही है, यहाँ से लो, सॉरी हाई, लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ से प्राइस ने अपना ट्रेंड चेंज की है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब जब प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो हमारे पास जो पुल बैक है जिसमें प्राइस ने इंड्यूसमेंट लिया है, तो प्राइस का लास्ट पुल बैक ये था। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे क्या इंड्यूसमेंट ले ली थी, जी बिल्कुल, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने ये पुल बैक था, ठीक है, यहाँ तक का, बल्कि इंड्यूसमेंट यहाँ पे प्राइस ने नहीं ली। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट का लेवल था हमारा। क्या प्राइस ऊपर जाने के बाद, ठीक है, इस पुल बैक के बाद प्राइस ऊपर गई, वापस आके इस इंड्यूसमेंट को लिया, नहीं लिया, नहीं लिया, तो हमारा जो इंड्यूसमेंट का लेवल है वो शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये मास्टर कैंडल थी, इसका लो लिया, प्राइस ऊपर गई, इंड्यूसमेंट लिया, नहीं लिया। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे
इस मास्टर कैंडल का लो ये इनसाइड बार, इस इनसाइड बार के बाद इस कैंडल ने इसका लो ले लिया, प्राइस ऊपर गई। इस सिनेरियो में ये एक लेग कंसीडर होगी और ये पुल बैक कंसीडर होगा, ठीक है। प्राइस ने ये इंड्यूसमेंट ली और प्राइस यहाँ से क्यों गई, इसके पीछे रीज़न है मैं आपको बता देता हूँ कि क्या रीज़न है। प्राइस यहाँ से हाईस बना रहे आ रही है, लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। और हमारा ये अगर इसको एक लेग कंसीडर करो तो प्राइस कैसे मूव कर रही है, प्राइस ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो इंटरनल इस कैंडल का भी लो इस कैंडल ने ले लिया है जो कि हमारा वैलिड पुल बैक है, ठीक है। प्राइस ने कैसे मूव किया है यहाँ पे, प्राइस ने ये मूव किया है, ठीक है, यहाँ से ये। तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो वैलिड एक अच्छा पुल बैक भी, एक वैलिड पुल बैक भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक का काम कर सकता है। इस कैंडल ने, इस कैंडल का ये बेशक इंटरनल स्ट्रक्चर का हमारा पुल बैक था तो ये एक वैलिड पुल बैक था क्योंकि इस कैंडल ने इसका लो स्वीप किया था। तो ये पूरी कैंडल या इस कैंडल की ओपनिंग से कुछ लोग कंसिडर करते हैं ऑर्डर ब्लॉक बनाना, ठीक है। इस तरह भी कुछ लोग ऑर्डर बनाते हैं, कुछ लोग इस पूरी कैंडल को भी ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करते हैं। तो प्राइस ने इसी ऑर्डर ब्लॉक पर टेप किया और जब प्राइस ने ये इंड्यूसमेंट ले ली तो हमारा ये वाला हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। और जब प्राइस ने इसके ऊपर चौक दे दिया तो हमारा ये लास्ट लो था जिसने सारी लिक्विडिटीज कलेक्ट की थी। तो ये हमारा अब लो हाई, हायर लो, ठीक है, इंड्यूसमेंट ले ली इसीलिए ये कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे चौक के बाद ये कंटिन्यूएशन का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ठीक है, ये आ गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हम बुलिश हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये लास्ट पुल बैक है, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल पुल बैक्स की बात करें तो ये इंटरनल पुल बैक्स हैं कि प्राइस क्या कर रही है, प्राइस ये पुल बैक है, ठीक है। यहाँ पे मैं रोक लेता हूँ। अब प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो हमें डीपर पुल बैक चाहिए था कम से कम यहाँ तक। क्या प्राइस ने इस इंड्यूसमेंट को लिया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो दे दिया, लास्ट पुल बैक ये था, इसको नहीं लिया तो इसका मतलब ये शिफ्ट हुआ, ठीक है। शिफ्ट होके ये पुल बैक यहाँ पे चला गया क्योंकि ये लास्ट पुल बैक है जो कि वैलिड है, इसको लेना मस्ट है प्राइस को, ठीक है। ये पुल बैक था, इस पुल बैक को लिया प्राइस ने, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पे इवन के देखो ये भी एक पुल बैक है, ये कुछ चीज़ें बीच में मिस हो जाती हैं, ये बहुत काम ख़राब कर देती हैं, ठीक है। ये भी पुल बैक है, ये लास्ट पुल बैक है, ठीक है। तो ये पुल बैक इधर भी नहीं है बल्कि थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दें हैं, ये पुल बैक यहाँ पे, ठीक है। प्राइस ने ये पुल बैक लिया, ऊपर गई प्राइस, ठीक है, वापस आके इंड्यूसमेंट नहीं लिया, प्राइस ने नया हाई बना लिया। तो सॉरी यार, ये मैं खुद भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो ये पुल बैक मुझे लगा था कि वो इनसाइड बार है लेकिन इनसाइड बार नहीं। तो ये इंड्यूसमेंट का लेवल था, प्राइस ने इंड्यूसमेंट लिया, यहाँ से प्राइस का रिएक्शन देना बनता था जो कि इसने दिया। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हमारा किधर था, अब ये वाला जो लो है, नया लो हमारा ये वाला है क्योंकि प्राइस ने इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही नया हाई दिया है। तो हमारा नया हायर लो ये वाला पॉइंट था। अगर प्राइस इसके नीचे आके क्लोज करती तो हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढते, ठीक है। तो प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने इंड्यूसमेंट के बाद इस ऑर्डर, अब यहाँ पे इस मूव में कौन से ऑर्डर ब्लो, कौन से ऑर्डर फ्लो हमारे पास हैं जो अनमिटिगेटेड है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्लियर फेयर वैल्यू गैप भी था इस फर्स्ट कैंडल से थर्ड कैंडल तक, और ये एक पुल बैक, ठीक है, जो कि ये पुल बैक है, ये ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हुआ हुआ है, ठीक है। प्राइस इसके ऊपर गई है लेकिन अगली कैंडल के लो ने इसको मिटिगेट कर दिया है। तो लेकिन फिर भी हमारे पास ये एक समझो एक ऐसा एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो था जहाँ पर आपको रिस्क लेना बनता था 50% से नीचे, और बड़ा नाइसली प्राइस ने
इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। बड़ा नाइसली प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट किया है और यहीं से ही प्राइस इस टाइम इंटरनल स्ट्रक्चर में घूम रही है। तो मुझे लगता है आप लोगों को इस प्रोजेक्ट को बाय करना चाहिए। प्राइस ने ये इंड्यूसमेंट ले ली है यहाँ पे, इसका मतलब हुआ कि हमारा नया हाई ये वाला कंफर्म हो गया, ठीक है। तो अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो डीपर फुल ब्रेक होता है, अगर इधर मैं फेफ के लेवल्स भी लगा के रख लूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो प्राइस 786 तक रिट्रेस कर चुकी है। इवन के 786 से नीचे आके कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दिए, जो कि मैं आपको कहता हूँ कि डीपर पुल बैक हमेशा 786 को थोड़ा सा ये वॉयलेट करते हैं, मैनिपुलेट करके ऊपर क्लोजिंग देते हैं। तो यहाँ पे तीन किस्म की जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, आप लोगों को मैंने बताया, एक शॉर्ट पुल बैक है जो कि 40 से 50% होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मीडियम पुल बैक जो कि 50 से 681 से भी थोड़ा सा नीचे आता है, और जो डीपर पुल बैक होता है वो 786 तक भी प्राइस रिट्रेस कर जाती है। तो अगर ये प्राइस इन लोस को, ठीक है, इवन कि इस लो को इसने ले लिया है, आपको मेरे भाइयों यहाँ से बाय इस प्रोजेक्ट को हर हाल में करना है फॉर द बेटर फ्यूचर। और यहाँ से हमारा जो टारगेट होगा, बेशक आप लोग इसको स्पॉट ट्रेड में ही ले लो, लेकिन इसको लेना ज़रूर, ठीक है। ये हाई है 44 तक, और आप लोगों ने इसी जगह में, ठीक है, इसको थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे रखो। यहाँ से हमारी लॉन्ग की एंट्री इस प्रोजेक्ट में बनती है, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हम कुछ भी नहीं करते। हमारे डिसीजन पेंडिंग है या प्राइस इसको ब्रेक करे तो हम यहाँ ऊपर से शॉर्ट करेंगे, चौक होगा, ठीक है, फिर हम बुलिश नहीं होंगे, या प्राइस इसको इसके ऊपर क्लोजिंग दे, क्लोजिंग देना मस्ट है, या नीचे क्लोजिंग दे, ताकि हमारे बायस जो हैं वो डिसाइड हो सके। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इसको मैं डिलीट करके यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर देता हूँ, ताकि थोड़ी सी आपको आसानी होगी। इसके पीछे हमारे पास देखो, प्राइस ने इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है, इंड्यूसमेंट के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक, पहला ऑर्डर ब्लॉक था, इसको यहाँ से हाई देना चाहिए था प्राइस को, लेकिन कभी कभी प्राइस फेल भी करती है, इसीलिए इस ऑर्डर ब्लॉक से इस हाई तक आप टारगेट रख सकते थे, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया है कि इंड्यूसमेंट के बाद वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो इतना हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होता कि वो एक नया हाई दे पाए, लेकिन देती है प्राइस, जो कि यहाँ पे प्राइस ने देखो इंड्यूसमेंट लिया और यहीं से हाई दे दी, ठीक है। तो ये अब इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो आप लोगों को यहाँ पे अगर आप लोग $500 का भी लेना चाहते हो ना, तो इन लोस से नीचे DCA करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर प्राइस, अगर थोड़ा सा मैं रिटेलर कॉन्सेप्ट से बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अभी लोग क्या देख रहे हैं, लोग इस 4 टेप का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, 4 टेप का, क्योंकि 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम मे बी 4 टाइम। और यहाँ पे प्राइस इनकी लिक्विडिटी है ये, ठीक है, हम इसको लिक्विडिटी ट्रीट करते हैं, ना कि स्पॉट ट्रेड करते हैं, डायनेमिक स्पॉट जिसको कहते हैं, उस को स्पॉट नहीं कंसिडर करना। और दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ कि इस टाइम ये जो जगह है ना, ब्रेक करने के बाद ये रीटेस्ट हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये SNR लिक्विडिटी भी बनती है, ठीक है। कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, तो ये हम प्रोबेबिलिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ का ही नाम है। तो ये मेरे एंटिसिपेशन के लेवल हैं कि यहाँ से मैं बाई करना चाह रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। और ये मेरा हाईली एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ से मैं एक नया हाई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट में। उसके पीछे की रीजंस मैंने आपको बता दी हैं, फंडामेंटल रीजंस, जो कि फ्यूल ऑयल से रिलेटेड थी, चाइना और सऊदी से रिलेटेड जो फंडामेंटल एक न्यूज़ आई है, और वो जो डील हुई है वो चाइनीज़ यन में हुई है इंस्टेड ऑफ US डॉलर्स, तो इस वजह से डॉलर गिर सकता है और ये प्रोजेक्ट तबाही फेर सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसमें लाजमी अपना रिस्क लेना है इन लोस के नीचे, ठीक है, क्योंकि प्राइस का मेजर मोमेंटम बुलिश है, हमने ट्रेंड चेंज कर लिया है। और अगर मैं बेसिक एक
वेव्स बिहेवियर की बात करूं तो हर इम्पल्स के बाद एक करेक्शन आती है और फिर इम्पल्स आती है, यही प्राइस का बिहेवियर होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को लाजमी कोशिश करना है कि बाय कर सको। सो दिस इज इट फॉर टुडे माय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ट्राई टू accumulate this project in your portfolio for better future. Take care. Bye bye. Boom boom. Ciao.